सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपके सपने सच हो इससे पहले आपको सपने देखनी होंगी। अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित निष्ठावान होना पड़ेगा। यहाँ खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं, बल्कि खुश रहने से सारे रास्ते मिल सकते हैं। आज का पंचांग 29 अगस्त 2023 दिन मंगलवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 2:48 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र रात्रि 11:50 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:29 से 5:03 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 29 अगस्त 2023 दिन मंगलवार, आप अच्छे आसानी से सब काम करके जीवन के स्कोप को बड़ा कर सकते हैं। अपनी एकाग्रता बनाए रखें और अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा दें। कुछ भी किसी को न कह बैठे जो आपको भावनात्मक उलझन में फंसा दे। बिजनेस का विस्तार हो सकता है या पहले से खुले आउटलेट्स को नया रूप दे सकते हैं। ग्रह स्थिति अनुकूल है, इसका फायदा उठाना है तो पूरी नकारात्मक बातों को मन से निकाली। इससे आप कोई भी फैसला लेने में सहज महसूस करेंगी। पारिवारिक सुख सुविधाओं संबंधित चीजों की शॉपिंग में दिन अच्छे से बीतेगा। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर फोकस रहेंगी। दूसरों की बातों की वजह से बेचैनी बढ़ सकती है, लक्ष्य पर ध्यान देने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों को भी समझना और नियंत्रित करना जरूरी होगा, सतर्कता रखें। आत्मविश्वास की वजह से व्यक्तिगत जीवन में सुधार हो सकता है। काम की गति धीमी रह सकती है। पार्टनर के बदलते विचारों की वजह से आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। शरीर में खून की कमी भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, कुछ समय आत्ममनन और चिंतन में लगाएं, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। घर के किसी सदस्य के वैवाहिक संबंधों में परेशानी आने से तनाव रहेगा, धैर्य और संयम से समस्याओं को सुलझाएं। जीवन साथी अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, मुश्किल आने पर टीचर की मदद लेने में संकोच ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच आपसे संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति भी मिल सकती है। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर्स भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पड़ सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। बात करते हैं करियर की। आपका धैर्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी की अपनी भावना आपके रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको अपने हाथ से क्षमता को जागृत करना होगा ताकि आपका कार्य क्षेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्माण हो सके, जैसे कि आप आराम से अपने कार्य को कर सके। दिन के अंत में एक गंभीर वित्तीय लाभ का मौका आपको मिल सकता है। कार्यस्थल के आंतरिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। वास्तु के नियमों का भी पालन करने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सरकारी नौकरी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अपने कागज खुद संभाली तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज कुछ आदतों में सुधार करने से दिन बेहतर होगा। पुराने निवेशों में मिले धन से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बन जाएगी। पूजा में मन लगेगा। गृहस्थ जीवन में प्यार और समझदारी के साथ रोमांस भी रहेगा। बात करती हैं सेहत की। अत्यधिक कार्यभार और तनाव की वजह से आज सिर दर्द और थकान हावी हो सकती है। बीपी, डायबिटीज आदि की नियमित जांच कराते रहें। आज आप खुद को किसी ऐसे आदमी की वजह से गुस्से में अनियंत्रित पाएंगे जो बिना बात आपकी सब चीजों में टांग अड़ाता रहता है। इससे आप बेहोश भी हो सकती हैं, इसीलिए अपना ध्यान रखें।
और इस आदमी को कहकर आप तरोताजा भी होंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा करें और केसरिया सिंदूर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।